हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम बलराम यादव और मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं एक कंप्लीट वीडियो सीरीज जो कवर करेगी सीएसआईआर नेट के पार्ट ए में आने वाले क्वेश्चंस का कंप्लीट सिलेबस। तो हम ये वीडियो सीरीज बनाने जा रहे हैं जहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट ए से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जिनकी हेल्प से आप पार्ट ए में आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट ए हमारे सीएसआईआर नेट में कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है, जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वहाँ पे 20 क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से हमें कितने चूज करने थे, 15 चूज करने थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये टोटल 30 मार्क्स है। और चाहे हम ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें, नेट की कट ऑफ एटमोस्ट 90 तक लग जाती है। तो ये 30 मार्क्स का है, 90 का 1/3 पार्ट है कि हम मेरिट का ये 1/3 पार्ट हम पार्ट ए से पा सकते हैं। देखिए, कोर सब्जेक्ट में से 30 मार्क्स पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 30 मार्क्स हम डेली का सिर्फ एक घंटा और वो भी सिर्फ दिसंबर तक पढ़ के पा सकते हैं। 30 में से हम मिनिमम 22 से 25 तक मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यू एक घंटा इसको दे तो। बहुत से बच्चे इससे पार्ट ए से बहुत डरते हैं, वो सोचते पार्ट ए का क्वेश्चन उनसे सोल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन पार्ट वन में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? नाइन्थ हमारे स्कूल लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो कि हम स्कूल में हम इनको पढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं अभी पार्ट ए में सबसे ज़्यादा एटमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से। तो ठीक है, तो पार्ट ए में देखिए 30 मार्क्स का है, तो कोई भी मीडियोकर स्टूडेंट है जिसको 50 से 60 तक मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो पार्ट ए पे थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट को अच्छी रैंक चाहिए उसके लिए तो पार्ट ए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट पार्ट ए हम अच्छी रैंक नहीं ला सकते सीएसआईआर नेट में। तो यहाँ पे हम देखें, आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री कौन सी क्लास की है? 9th और 10th की, जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एवरी ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, और वहाँ उनका कॉन्सेप्ट कौन सी क्लास में आता है? 9th और 10th में, जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। बेसिक से 0 से स्टार्ट होंगे, फिर धीरे धीरे अगर नेक्स्ट वीडियो आती जाएगी वैसे इसका लेवल हाई होता जाएगा। तो आज तो हम बिल्कुल इसके जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ज्योमेट्री में होता क्या है। तो मैथमेटिक्स में हम सिर्फ दो ही चीज़ें देखते हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी या उसकी मेजरमेंट देखते हैं। तो मेजरमेंट में क्या आता है, जनरली हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, सरफेस और कोई भी सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सरफेस या सॉलिड से आते हैं, और इनको सोल्व करने के लिए हमें लाइन, एंगल और पॉइंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री में मेनली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक प्लेन ज्योमेट्री, एक सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री होती है 2-डायमेंशनल, मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, और सॉलिड में 3 डायमेंशन होते हैं। बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, मतलब एक्स वाई प्लेन क्या हो गया, प्लेन ज्योमेट्री होगी, और एक्स वाई जेड की बात करें तो वो क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गए। तो प्लेन ज्योमेट्री में मेनली वो शेप्स या फिगर आती है जो एक पेपर पे जिनको हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से आते हैं, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, और सॉलिड ज्योमेट्री में आ जाएंगे स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब धीरे धीरे छोटी छोटी टर्म्स है, स्टेटमेंट्स है, उनकी डेफिनेशन देखेंगे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। वो स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी हेल्प से क्वेश्चन ईजी हो जाएगा अगर हमें उनकी अच्छी से नॉलेज है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले टर्म आती है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है या उसका अपना खुद का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। लाइन होती है यहाँ पे जिसकी एंडलेस लेंथ होती है, ठीक है, दोनों साइड एंडलेस लेंथ होती है। रे क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है रे का, एक एंड पॉइंट, और एक साइड उसकी क्या होती है, एंडलेस लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों पॉइंट फिक्स, दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। अब उसके बाद आते हैं, लाइन पढ़ लिया ना हमने यहाँ पे, अब उसके बाद आती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, देखिए अगर हम लाइन को कहाँ ड्रा करते हैं, प्लेन में ड्रॉ करते हैं, हम बात कर रहे हैं अगर प्लेन की, मतलब पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पास दो ही सिचुएशन बनती हैं, या तो वो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या वो लाइन क्या होंगी, पैरलर।
अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या होंगी, पैरेलल, सिर्फ दो ही कंडीशन है ठीक है प्लेन में लाइन ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की हम प्रॉपर्टी का क्या यूज़ करेंगे, मतलब हम यहाँ पे एंगल्स की बात करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में एंगल की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो किन्हीं भी दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो जनरली हमें ट्रांसवर्सल लाइन का कोई यूज़ नहीं है, ये यहाँ पे डेफिनेशन थी, लेकिन इसका यूज कब होता है, जब ये दो पैरेलल लाइंस को कट करे, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करे, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है, वो भी एंगल्स की प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। इसमें थ्री टाइप्स के एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो आपको फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कुछ कुछ याद आ रहा है आपके स्कूल टाइम का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे यहाँ पे बताइए, इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 5, मतलब एक पेयर ये है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, जो सेम साइड मतलब सेम प्लेस पे जो एंगल होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। जैसे एंगल 1 है, ये क्या है, राइट साइड में है और इस लाइन के ऊपर है। ऐसे एंगल 5 क्या है, राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के और इस लाइन के ऊपर है। तो मतलब ये बोल इनको बोलते हैं हम एंगल ऑन सेम प्लेस, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और पैरेलल लाइंस के केस में अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। इसके बाद बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो यहाँ पे और इंटीरियर जो अंदर की साइड, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 4 5, एक पेयर ये है। देखिए इंटीरियर क्यों बोला, ये इन दो लाइंस की अंदर की साइड है ठीक है, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा और अंदर वाला क्या है, इंटीरियर एंगल है, इसको हम इंटीरियर है इसके नाम में। और अल्टरनेट क्यों बोला, जैसे ये लेफ्ट साइड में है और इस लाइन के नीचे है, और ये 5 क्या है, राइट साइड में है और इस लाइन के ऊपर है, इसलिए क्या होता है, ये अल्टरनेट होंगे और अंदर की साइड है इसलिए इंटीरियर। और पैरेलल लाइन के केस में ये क्या एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ठीक है। यहाँ पे दो पेयर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। ऐसे नेक्स्ट एंगल आता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड यहाँ पे क्या है, एंगल 3 5 एंगल 4 6 सेम साइड, मतलब यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है, लेफ्ट साइड में है, ये दोनों एंगल क्या है, राइट साइड में है और अंदर की साइड है, देखो लाइंस के बीच में है ना और सेम साइड पे है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल और सेम साइड। और इनकी क्या प्रॉपर्टी, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अगर अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा था, एंगल 4 और 5 इक्वल है, और 5 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, क्यों, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अभी हम देखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या है, एंगल 4 और एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है, और एंगल 4 और 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल 4 इक्वल्स टू 5। अगर हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन नहीं पता तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल क्या होता है, क्लोज फिगर होती है जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये प्लेन फिगर और क्लोज फिगर होती है। जैसा कि इसका नाम है ट्राई, मतलब तीन और एंगल, तीन एंगल होते हैं इसके अंदर, 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो मेनली ट्राइंगल्स 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, एक राइट ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक इक्विलेटरल और लास्ट है स्केलन ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में जिसका एंगल 1 एंगल 90 का हो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। आइसोसेलेस में जिसकी दो साइड इक्वल है तो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, मतलब दो साइड इक्वल या दो एंगल इक्वल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, सभी साइड्स इक्वल है तो उसके सभी एंगल इक्वल होंगे और उसमें सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। और जो ट्राइंगल की मेन बेसिक्स प्रॉपर्टी है वो क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, और ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है ठीक।
ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ऐसा बताओ हमें, ये तो बहुत बेसिकली वो इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था लास्ट ईयर में आया हुआ था, तो वहाँ पे कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी थी और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट दो साइड है उनकी लेंथ की होती, और ऑप्शन देके हमें पूछा गया था कि थर्ड साइड क्या होगी। तो आइसोसेलेस है, दो डिफरेंट दी हुई है, तो जो थर्ड साइड आएगी वो उन दो में से किसी एक की इक्वल होगी। तो हमें वहाँ पे बस यही प्रॉपर्टी यूज करनी थी कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के सम से बड़ा होगा। तो अब ट्राइंगल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ लाइन होती है और कुछ सेंटर्स होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले आते हैं मीडियन। मीडियन क्या होते हैं, किसी एक वर्टेक्स से वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। मतलब एक वर्टेक्स वर्टिस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, खास बात क्या होती है, ये ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक ये पार्ट, दो इक्वल पार्ट, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो छोटी ट्राइंगल बनी है इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब इसके बाद आता है सेंट्रोइड। देखिए यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स से ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब हमारे पास तीन वर्टेक्स है तो हमने तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ की है, ठीक है, और ये मीडियन जहाँ पे मीट कर रही है, जो जिस पॉइंट पे मिल रही है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है हमें, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, ऊपर वाला 2 होगा जो वर्टेक्स के साथ में है वो पार्ट 1 होगा और जो मिड पॉइंट के साथ में है वो 1 होगा, ठीक है। ये मीडियन की प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे मीट करती है वो सेंट्रोइड और सेंट्रोइड मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर से पहले हम देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। देखिए यहाँ पे मीडियन, मीडियन क्या थी, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, तो ये ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे 90 का एंगल बनाइए, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन ऑर्थोसेंटर में यहाँ पे जो एल्टीट्यूड हम उसे ही बोलेंगे जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड होंगे, तो वो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थोसेंटर कहलाता है। उसके बाद आता है इन सेंटर। तो देखिए ये बहुत टर्म्स आती है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन देता है कि ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर ऐसे है, या उसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देगा, या इन सेंटर बता देगा, सर्कम सेंटर। तो स्टूडेंट्स हमें मोस्टली ये ही नहीं पता होता कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, तो हम आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ये सारे बेसिक्स टर्म्स आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, आपने स्कूल में तो इनको पढ़ा है अच्छे से। तो इन सेंटर क्या होता है, देखिए इसको जनरली समझते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का जो सर्कल आ सकता है उस सर्कल का सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। मतलब उस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है वो होगा इन सर्कल, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इन सेंटर। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है मेन, जो हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है कि इन सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे कोई ट्राइंगल है उसका इन सेंटर कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स एंगल होंगे, तीन एंगल है ए और बी सी, तो इन एंगल को जो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करती हैं, और तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती हुई लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट करती है वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। याद रखिए क्या करता है इन सेंटर, इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट मीट करेंगे, वो होगा इन सेंटर। और बाइसेक्ट करना क्या मतलब होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, यहाँ पे मतलब दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, यहाँ पे हमने सर्कल के मतलब ट्राइंगल के अंदर क्या लिया था, सर्कल, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ट्राइंगल के बाहर तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ कोई सर्कल लेंगे, और इस सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर, और ये सर्कल क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल। तो अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी होगी कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे हम सर्कल तो ड्रा करके देख नहीं सकते, ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल के तीन साइड्स है, ठीक है, उन साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसकी दो प्रॉपर्टी, एक तो ये साइड पे परपेंडिकुलर होगा और साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है,
मतलब तीन साइड है तो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट मतलब बेसिक्स था, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ज्योमेट्री का। इन्हीं से आगे चलते चलते धीरे धीरे ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन होगा और वहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आपको अपना ये पीछे का जो सिलेबस है ये रिवाइज हो गया होगा स्कूल का। और गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले सकें। और गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल